Hi guys, this year BNCET examination will be similar to the one which happened last year. 2022 का replica होने वाला है BNCET का exam आपका 2023 का, because recently MPSCET और MCSCET का exam similar था, ठीक है. Paper आपका jumbled रहेगा, but हाँ section defined होंगे, segregated होंगे, jumbled up नहीं होंगे. जैसे कि पहले आपका logic आ गया, फिर GK आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. फिर टीचर अपडेट आ गया, वैसा नहीं होने वाला है. आपका एक बार लॉजिक चालू होगा तो लॉजिक ही रहेगा, उसके बाद आपका टीचर अपडेट चालू होता टीचर अपडेट भी जाएगा, फिर जीके चालू तो जीके रहेगा, ठीक है. पेपर कैसा आएगा, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दैट पार्ट. पेपर के अंदर, पेपर ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर होने वाला है, टफ लेवल का पेपर नहीं होगा. आई रिपीट, मॉडरेट लेवल का पेपर होने वाला है आपका. अगर आपने जो मैं बताने वाला हूँ टॉपिक उसको प्रिपेयर किया तो आप सीटी फोर के आओगे बहुत अच्छे स्कोर से. अभी भी पढ़ाई चालू करोगे तो आराम से प्रिपेयर होगा. तो सबसे पहले तो लेट्स मी टॉक अबाउट दी लॉजिक, ठीक है. इस ऑफ मेनूवर के तीन बुक हैं फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, और टीचर एप्टीट्यूड को लेकर वर्कशॉप्स एंड आपके मॉक, उतना सफिशेंट है प्रिपरेशन को लेकर. फिर मेक श्योर ये बुक आपके पास होनी चाहिए या तो फिर ई बुक्स जो भी आपके पास एक्सेस है. तो लॉजिक के अंदर लिखो क्या क्या टॉपिक करना है. लॉजिक के अंदर आपके मेनूवर के बुक्स है. पहला टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये दो अच्छे से कर लेने. नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये चार टॉपिक मिला के 10 टू 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. 10 से 15 क्वेश्चन, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको. ये चार टॉपिक्स हैं, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज. ये चार टॉपिक्स से आपके 10 टू 15 क्वेश्चन आने वाले हैं. ये वीडियो शेयर कर दो सारे लोग को जितने लोग BNCET लिखने वाले हैं, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. और सेम चीज़ आई विल बी डिस्कसिंग द क्लासरूम ऑल्सो, वेदर यू हैव जॉइन अस फॉर द, इफ यू हैव जॉइन अस फॉर द क्लासरूम क्रैश कोर्स और द लाइव क्लास. डिटेल्स क्रैश कोर्स को लेकर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आप मुंबई बेस हो तो दादर थाने विजिट कर सकते हो सेंट्रल लाइन पे, वेस्टर्न के लिए बोरीवली एंड वैसे यू कैन विजिट. अगर मुंबई बेस नहीं हो तो क्लासरूम लाइव क्लास यू कैन चेक इट आउट, 8828581455 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है. इसके बाद आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड, उसके बाद सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये टॉपिक करने हैं आपको. बेसिकली ट्रेडिशनल लॉजिक पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है. उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट कर लेना, और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं इस साल, फिर भी एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. बाकी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, ये कर लेना तीन टॉपिक. तो आपके बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश में मेजर फोकस हैज़ टू बी ऑन द वोकैब, ऑल द एंटोनिम्स, ऑल द सिनोनिम्स. आपकी इंग्लिश के बुक का जो सेक्शन 2 है, ठीक है, उसका वोकैब करके ख़त्म करो, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मेजरली, और आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा थोड़ा आरसी आने वाला है. बाकी आपका जो जीके है, जनरल अवेयरनेस, विच इज द टफेस्ट सेक्शन फॉर द BNCET एग्जामिनेशन, उसके अंदर आपका आएगा स्टैटिक जीके, और उसमें से भी पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के. उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, और करंट अफेयर्स, ठीक है. इतना करके ले लो. बाकी BNCET बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता है. तो आपका एक तो डैशबोर्ड पे वर्कशॉप है, और एक तो आपके मॉक है, ठीक है. 10 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च, डू राइट ऑल दी मॉक टेस्ट. और ऐसा मत सोचो कि यार पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा. आज मेरा वीडियो देख रहा हूँ, आज जाके मॉक लिख के खत्म करो एंड सी व्हाट इज द स्कोर कमिंग अप. नेक्स्ट वीक